हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट इन्वेस्ट क्लब। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज एक अच्छी रैली के बाद में निफ्टी ने जिस तरह से काम किया वो थकावट दिखा रहा है, यानी ऊपर की तरफ में आके थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, हल्का फुल्का बाय ऑन डिप्स भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो कैंडल बना हुआ है वो इनडिसिसिव कैंडल बना हुआ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अब कंटिन्यू करें ट्रेंड को या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू करें। ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न बहुत ही सिंपल है, जिन्होंने बाई किया रहेगा 17,700 से 17,800 से, उन्हें मालूम है 18,200 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सो 18,200 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे हैं। अगर 18,200 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा और ऊपर की तरफ 18,500, 700, 800 आपका नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी मुनाफा वसूली होती है तो नीचे की तरफ में आप 18,000 की तरफ जाते हुए एक बार नजर आ सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि हमें इंट्राडे के अंदर में कौन से लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट है और हमें कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आज ट्रेड किया है निफ्टी ने, बहुत ही साइडवेज मूवमेंट है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, साइडवेज काम हो रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, सिंपल यही काम। क्या करें, एक अच्छी रैली के बाद में अगर साइडवेज मूवमेंट आया था तो उसे आइदर साइड ब्रेक होने तक का वेट करना चाहिए। आपको एक चीज़ याद रखिए, 18,200 लक्ष्मण रेखा का काम कर रहा है और करेगा। सो 18,000 मैं बोलूँगा 18,160-170 को ब्रेक करने की जगह पे 18,200 को ब्रेक करने का वेट करिए। अगर निफ्टी 18,200 ब्रेक करके ऊपर की तरफ टिक जाता है, 15 से 20 मिनट अगर काम कर लेता है तो लॉन्ग करने के लिए अच्छा मौका बनेगा। और अगर यहाँ पे आप लॉन्ग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 18,130 के आसपास, जो अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ देन आपका जो टारगेट बनेगा दैट विल बी अराउंड 18,300 इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप 18,350 इंट्राडे के अंदर में एक बार देख सकते हैं। थोड़ा सा रखना चाहे पोजिशन अपने पास में तो 18,500 के आसपास का टारगेट बन सकता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन सेलिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अगर आप इसे 2-3 हफ्ते के लिए रखना चाहते हैं तो भूल जाइए, ये मत सोचिएगा। 18,500 टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। ये केस हो गया, इनकेस अगर निफ्टी 18,200 के ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर जाके 18,200 के ऊपर जाके टिकता है तो, लेकिन अगर नहीं टिकता है तो क्या करना है? सेल नहीं करेंगे जब तक 18,200 जाने के बाद में एटलीस्ट 18,160 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आज 18,160 से 18,140 के बीच में काम किया है, उसी हिसाब से 18,160-18,200 के बीच में थोड़ा जोर आजमाइश होने के चांसेस हैं। 18,160 के नीचे आता है, 10-15 मिनट टिकता है तो समझ जाइए 18,200 पर ऑफलोडिंग चालू हो चुकी है, और फिर आप इसे एक बार बेच पुट बाय कर सकते हैं। बेसिकली एक शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है। टारगेट जो बनेगा, टारगेट विल बी अराउंड 18,100-18,030। ये देखिए, इन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन लेवल्स पे आते हुए नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर ऐसा पोजीशन आप बना रहे तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 18,225। इसके ऊपर गया तो फिर आपको एक बार लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। मुझे अगर खरीदना है तो मेरे लिए जो बेस्ट पोजीशन दिख रही है या बेस्ट जगह दिख रही है वो है 18,000 से लेके 18,030 के बीच में। अगर इन लेवल्स पे मुझे निफ्टी मिलता है तो मैं बाय इनिशिएट करूँगा। स्टॉप लॉस जो होगा ये इस कैंडल का लो पॉइंट होगा, स्टॉप लॉस लगभग 17,990 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा और डीप लेके जाएंगे 17,970 के आसपास का, यानी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगर इन पोजीशंस मिलता है, अगर यहाँ पे मिलता है तो आप टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। दैट विल बी 18,150-18,200 एक बार थोड़ी सी मुनाफा वसूली, और अगर इन लेबल से वापस रिकवर करता है निफ्टी तो आप 18,200 भी एक बार तोड़ सकते हैं। तो इन लेबल्स पे ध्यान रखिएगा, इन लेबल्स के आसपास में आपको कल का ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन पे अगर आप नजर डालेंगे तो ऑप्शन चेन भी कुछ ऐसा ही बात कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन चेन 229,045 के आसपास की राइटिंग देखने को मिल रही है, इनफैक्ट पोजीशन देखने को मिल रही है 18,200, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि 18,200 एक बड़ा आपके लिए रुकावट का लेबल बनता है।
और दिन के दौरान ही यहाँ पे 1,05,070 की राइटिंग हो रही है। सो अगर जब मान के चले 18,200 के ऊपर निकलते हैं और ये शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही है, मतलब नीचे जाने के चांसेस बनते हैं उस टाइम पे। सो उस लेवल पे भी ध्यान रखिएगा। सेम वे 18,000 पे नजर आती है 1,83,000 और 18,100 पे 1,56,000 लॉट की राइटिंग है। और इंटरेस्टिंगली दिन के दौरान 1,15,596 की राइटिंग हुई है, यानी आज जो सबसे ज़्यादा राइटिंग देखने को मिल रही है वो हो रही है पुट साइड में 17,100। सो 17,100 नीचे की तरफ एक सपोर्ट का काम करेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। बट मेरे लिए, मैंने जैसा पहले बताया, जो बाइंग लेवल है 18,000-18,030 के आसपास से मिला, आग बंद करके बाय करूंगा मैं वहाँ पे। स्टॉप लॉस भी मैंने वहाँ पे बता दिया हुआ है। 18,200 के ऊपर जाता है और ये कम नहीं हो रहा है, ये राइटिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। इनफैक्ट लॉन्ग बना, राइटिंग नहीं हुई है, पर किसी ने बाय किया तो किसी ने सेल भी किया है, तो राइटिंग मैं एक्सपेक्ट कर, मैं राइटिंग को ही कंसिडर करके चल रहा हूँ। सो 18,200 पे अच्छी राइटिंग हुई है। अगर ये 1,05,000 से बढ़ना चालू हुआ या 2,29,000 जो है ये ऊपर की तरफ जाना चालू होता है और मार्केट 18,200 के आसपास है, मतलब मार्केट नीचे जा सकता है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का मूवमेंट बनता हुआ नजर आया हुआ है। ऊपर की तरफ एक बढ़िया रैली के बाद में आपको प्रॉफिट मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए देखने को मिल रहा है। मेरे जो कंसर्न है वो ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में है। सेम में अगर आप निफ्टी में भी नजर डालें तो निफ्टी भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में इंडिकेशन है। सो एक चांसेस बनता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग। एट द सेम टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो कैंडल बने हैं कल के दिन में, अगर लोअर पॉइंट से यानी आज का जो लो है उसके नीचे ओपन होते हैं तो आप एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाते हुए नजर आएंगे जो कि निगेटिव है। एक लंबा रनअप के बाद में अगर इवनिंग स्टार पैटर्न बने उसका मतलब होता है ऊपर के लेवल्स पे बाहर गायब है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो अगर ऐसा कल के दिन में कुछ होता हुआ नजर आया, यानी आज के कैंडल के नीचे ओपनिंग हुई और वो सस्टेन भी नहीं किया, उसके नीचे चला जाता है, क्लोजिंग भी उसके नीचे हो रहा है, सो इन दैट केस ये नेगेटिव आपको एक फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आएगा। टारगेट आपका नीचे 42,500 की तरफ बन सकता है। इंटरडे चार्ट पे नज़र डालते हैं, इंटरडे पे एग्जैक्टली क्या देखने को मिल सकता है और कौन से लेवल की उम्मीद लगाई जा सकती है इंटरडे के ओपन में। जिस तरह का निफ्टी का मूवमेंट था सेम वे हमें यहाँ पे भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। साइडवेज मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग लोअर पॉइंट पे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, क्या है 43,300 के आसपास का लो बनाया है बैंक निफ्टी ने। कल अगर इसके नीचे की ओपनिंग, लेट से कल की ओपनिंग 43,250 के आसपास में होती है, थोड़ा सा वेट करिए, लेट इट गेट रिकवर्ड। अगर रिकवर होता है ठीक, और अगर आप पहले 30 मिनट यानी आधे घंटे में अगर रिकवर नहीं होता है तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप 43,000 तक एक बार ट्रेवल करें, यानी 43,000 का टारगेट बना के आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस विल बी, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करें तो आपका स्टॉप लॉस 43,400 के आसपास में होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ 43,400, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद एक बार फिर से साइडवेज मूवमेंट के चांसेस बनेंगे। ऑप्शंस बाय किए तो लफड़ा होगा, आपका प्रीमियम कम होगा, परसों एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से फिर आदमी आपको स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए वहाँ से। इन केस डिप देखने को मिला, ग्लोबल मार्केट वीक होता है, तो सबसे बढ़िया बाइंग की जगह है 42,800। ये लेवल जो है बहुत बढ़िया बाइंग की जगह है, इनके आसपास में मिलता है, बाय इनिशिएट करिए। जो स्टॉप लॉस लग रहा है 42,700 के आसपास में, लेकिन मैं 42,680 के आसपास में स्टॉप लॉस बोलूँगा। यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनेगा आपका 43,200-43,300 के आसपास का टारगेट एक बार फिर से बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो बैंक निफ्टी के अंदर में रैली आई थी ये कोई एक दो, ये किसी बाइंग वगैरह ऐसा मत समझिए चलेगा, ये बैंकों के अच्छे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में आई थी, वो एक्सपेक्टेशन अभी कम नहीं हुआ है। सो एक तरीका आपका ट्रेड करने का ये बन सकता है कि अगर लोअर लेवल पे मिले तो बाय कर लीजिए, अगर कल के नीचे ओपन हो तो और ठीक है तो सेल कर लीजिए, या तो आज का हाई और लो तोड़े तो वो मूवमेंट आप कर लीजिए। तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करके जाता है 43,484 के आसपास का हाई लगाया है, तो मैं बोलूँगा 43,500 के ऊपर अगर टिकता है थोड़ी देर तक, तब आप यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं और फिर आपका टारगेट जो बनेगा दैट विल बी 43,800-44,000। इसके लिए काम कर सकते हैं। मेरा जो वीकली व्यू बन रहा है, ये वीकली आई मीन टू से नेक्स्ट वीक तक की बात कर सकते हैं, चार पांच ट्रेडिंग सेशन की बात कर सकते हैं, ये आपको शायद 44,000 के ऊपर जाते हुए नजर आए
कल का मूव बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कल समझना पड़ेगा। अगर कल नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है तो हम 44,000 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। ऑप्शन चेन में नजर डालिए, डेवलपमेंट यस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1,46,000 1,90,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, कहाँ 43,400 पे आज वहीं से हम ऊपर से खिसकते हुए नजर आए हुए हैं। राइटिंग देखिए 1,14,000 1,15,000 की होते हुए नजर आई है, और ऐसा कुछ भी राइटिंग आपको कॉल साइड में पुट साइड में देखने को नहीं मिलेगा, यानी आज के दिन में कॉल राइटर्स हावी होते हुए नजर आए। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 1,33,952 के आसपास में, राइटिंग 43,000 के ऊपर देखने को मिल रही है, और अगर उससे थोड़ा नीचे जाते हैं तो 36,000 की देखिए आपको एक अच्छी खासी आज के दिन में राइटिंग होते हुए नजर आई हुई है। ये हुई है 42,800, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, इन लेवल्स के आसपास में बाय करना चाहिए अगर देखने को मिलता है तो। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक पोजीशन बना हुआ है, नीचे की तरफ में ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस 43,500, सपोर्ट 43,000 एंड 42,800 पे क्लियरली देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो जब अपलोड किया था उसमें शेयर किया था कि हमने एक ट्रेड लिया हुआ है, ये बेसिकली हमने जून का ट्रेड लिया था, जिसमें हम प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। हमने जो ट्रेड लिया हुआ था, लेट मी शो यू दैट ट्रेड फर्स्ट, हमने जो ट्रेड लिया हुआ था बहुत ही छोटा क्वांटिटी लिया था, रीजन मिंग 783 रुपीज़ का था, 29 जून 2023 का लिया था, सो दैट वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टाइम डीके 3 दिन की छुट्टी की वजह से। सो यहाँ 783 के आसपास हमने बाय किया हुआ था, और लगभग 940 के आसपास में उसे हमने आज दिन के दौरान हमने स्क्वायर ऑफ किया, और डेफिनेटली वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस अगर देखें तो ओवरऑल जो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर में शेयर किया था, क्लोज टू 15 ट्रेड्स मैंने शेयर किए थे, जहाँ पे मैंने एवरेजिंग भी काउंट कर रखी हुई है, और लगभग 40% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल में मिले होंगे, और अगर आप नहीं हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं जो ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, एक आध दो ट्रेड मैं इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा, अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आपने बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। होप आने वाला वीक आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।